वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hyundai Venue के मॉडिफिकेशन की। और आज हमारे पास दो Hyundai Venue हैं और आप यहां पर देख सकते हो, एक व्हाइट कलर में है और एक ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर वाली जो है वो इसका S वाला वेरिएंट है, जो कि सेकंड बेस वेरिएंट आता है। दूसरी व्हाइट वाली जो है ये अपना SX वेरिएंट है। तो दोनों ही कार्स के अंदर जो इंसुलेशन है वो स्टार्ट भी हो चुका है, तो यहां पे आपको दिखाते हैं तो फ्रंट में क्या क्या इंसुलेशन चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हेडलाइट यूनिट है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हेलोजन बल्ब आता है, इसके अंदर से LED लगाई जाएगी, साथ ही साथ अपने जो DRL से उनका इंसुलेशन रहने वाला है। इंटीरियर में क्या क्या अपडेट है वो आपको मैं दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इंटीरियर कंडीशन। तो यहाँ पर अपने इसका प्लेट का जो इंसुलेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है, अपनी Venue की प्रॉपर मार्किंग के साथ इसका इंसुलेशन है। इसके अलावा अपनी सीटें हैं वो निकल रही हैं, सीट कवर्स इनका इंसुलेशन आपको देखने को मिलने वाला है। अब क्योंकि ये S वेरिएंट है तो यहाँ पे कंपनी से जो है एंड्रॉइड सिस्टम आपको कारप्ले वाला जो है पहले से ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज इसके सिस्टम के अंदर भी किया जाने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना 7 इंच के साथ जो टच स्क्रीन सिस्टम आता है ये कंपनी वाली यूनिट है। इस वाली यूनिट को जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है। इसको रिप्लेस करने के बाद अपना अनप्लग का 9 इंच की जो ब्लॉक बॉक्सर सीरीज आती है वो वाला टच स्क्रीन सिस्टम जो है इसके अंदर इंस्टॉल आपको देखने को मिलने वाला है। साइड एक्सेसरीज की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट भी हो चुका है और अपने जो डोर वाइजर्स हैं क्रोम लाइन वाले वो इंस्टॉल हो चुके हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो लोअर गार्निश है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ये पोर्शन कंप्लीट ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट क्रोम का जो इंसर्ट है वो देखने को मिलेगा। प्राइमर की क्लीनिंग करने के बाद अब यहाँ पे जो है इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं ब्लैक कलर के साथ, जिसको चेंज करके इसके ऊपर अपना क्रोम इंसर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अपनी जो यहाँ पे आते हैं ना साइड क्लाइडिंग जिसको कहते हैं, तो क्लाइडिंग का भी जो इंस्टॉलेशन है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ये ब्लैक पोर्शन जो कि आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, इसको इसके ऊपर एक क्लाइडिंग लगाई जाएगी जिसके ऊपर Venue की जो प्रॉपर मार्किंग है वो रहती है और लुक वाइज काफी अच्छा आता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो इसका इंस्टॉलेशन ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, तो प्रॉपर फिटिंग के साथ ये आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि ये आफ्टर मार्केट वाली नहीं है। आफ्टर मार्केट वाले में ज्यादा ये होता है कि फिनिशिंग नहीं होती, उसे अपने हाथों कटने के चांसेस रहते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन इसमें क्या है शार्पनेस नहीं रहेगी, प्रॉपर अपना फिटिंग जो है रहती है एच टू एच। यहाँ पर आप देखो तो अपने जो बल्ब है उसको चेंज किया जा रहा है। इस वाली अपनी जो यूनिट है उसके साथ आपको जो है ये हैलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो इसको चेंज करके 120 वॉट की जो LED है वो इंस्टॉल यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंस्टॉलेशन और प्रॉपर इंस्टॉलेशन यहाँ पे बिल्कुल कपलर टू कपलर रहता है और अपना माउंट टू माउंट फिक्स हो जाता है। कोई भी वायर कटिंग नहीं होती और कोई भी यहाँ पे काटा पीटी किसी भी प्रकार से पैनल वगैरह में नहीं की जाती है। तो सिंपली इसका इंस्टॉलेशन रन हो चुका है और ये अपना ढक्कन भी बंद कर दिया खटाक। भाई यहाँ पर देखो तो साइड में एक्सेसरीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। तो डोर वाइजर्स देख लीजिए, यहाँ पे क्रोम लाइन वाले जो डोर वाइजर हैं वो लगाए गए हैं, तो प्रॉपर Venue की मार्किंग के साथ आपको ये देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आते हैं तो अपनी जो लोअर गार्निश है क्रोम इंसर्ट के साथ उसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया और प्रॉपर फिटमेंट आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। और लुक वाइज भी काफी अच्छा जो इसका लुक है वो आपको देखने को मिलता है। डोर हैंडल्स भी यहाँ पे क्रोम प्लेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और ब्लैक कलर की कार के साथ काफी अच्छा जो इसका स्टांस है वो आपको देखने को मिल जाता है और लुक जो साइड प्रोफाइल का काफी अच्छा हो चुका है। नीचे तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो अपनी जो साइड क्लाइडिंग है उसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर आपको यहाँ पे Venue की जो मार्किंग है वो देखने को मिलती है और ये जो अपना ब्लैक वाला पोर्शन था ना वो जो मैट ब्लैक फिनिश के साथ जो कि गंदा दली हो जाता है उसके ऊपर ये काफी अच्छा लगता है। और ये एक ऑप्शन है कि अगर आपको उसको बार बार क्लीन करने से बचना है तो आप ये वाली क्लैडिंग लगवा सकते हो, लुक भी अच्छा हो जाता है और आपको जो है वो क्लीनिंग वगैरह की जो दिक्कत है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो अब म्यूजिक सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि कौन सा वाला म्यूजिक सिस्टम जो है ये अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनप्लग का जो ब्लॉकबस्टर वाली सीरीज का म्यूजिक सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और इसकी स्पेसिफिकेशन में आप देख सकते हो 4GB रैम 32GB रोम के साथ है, जेन्युइन DSP के साथ आता है और इसके अंदर आपको DVR सपोर्ट मिल जाएगा फ्रंट और रियर कैमरे का, जो कि AHD को सपोर्ट करते हैं। टॉक टू मी का भी फीचर आपको मिल जाता है। सारे कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी। और इसको जो चेंज करा जा रहा है तो यहाँ पे आप इसका बॉक्स देख लीजिए और ये है इसका फ्रेम जिसके साथ इसको जो है इंस्टॉल किया जाएगा प्रॉपर। और ये कंपनी वाला फ्रेम है जिसके अंदर से जो AC वेंट्स के वो नॉब्स हैं वो खुल करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया। स्टीरियो का जो इंस्टॉलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो ब्लॉक बस्टर वाला सिस्टम है उसका इंस्टॉलेशन देखने को मिलने वाला है। जब वायरिंग वगैरह आपको दिखा देता हूँ तो इसकी वायरिंग आप देख सकते हो, कंपनी से जो कपलर आता है ये वाला अपनी वायरिंग है, उसके बाद ये अपनी कपलर लगा के सारी वायरिंग आपको देखने को मिलने वाली है। जितनी भी वायरिंग यहाँ पर की गई है सारी अपनी कपलर से सारी कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो कोई भी आपको यहाँ पे लूज वायरिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। इतना भी इंस्टॉलेशन होगा वो सारा कुछ आपको कपलर से कनेक्शन देखने को मिल जाता है और प्रॉपर जो इंस्टॉलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो भाई S वेरिएंट के अंदर आपको जो रियर पार्शियल ट्रे है वो नहीं मिलती है, तो रियर पार्शियल ट्रे का जो इंस्टॉलेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अपने पास अवेलेबल है, तो ये भी आप लगवा सकते हो। लकड़ी वाली नहीं है, जिस तरीके से आपको कंपनी वाली मिलती है सेम वही पैटर्न सेम वही डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सेम वही मटेरियल भी है, तो ये अपना आफ्टर मार्केट में आ चुकी है। आप इसको भी इंस्टॉलेशन अपनी गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी जो फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। बर्फ वाली कंप्लीट फ्लोरिंग जो है इसके फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, तो प्रॉपर फिटमेंट इसका जो है वो किया जा रहा है। और सारे पक्के वगैरह के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, तो प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सारा कुछ अंदर जो बैठा करके इसको कंप्लीट जो है वो फिनिशिंग दी जा रही है। तो इसके बाद अपने जो फ्लोरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अपने सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके साथ साथ अपने स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर जो रैपिंग का काम है वो भी स्टार्ट हो चुका है।
यहाँ पे देखो तो अपना सनग्लास जो होल्डर है वो नहीं आता है, तो उसका इंसुलेशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये अपना सनग्लास होल्डर ये देख सकते हो, तो प्रॉपर इसके अंदर लाइटिंग वगैरह भी रहती है और यहाँ पे इसके जो कपलर्स हैं वो भी रहेंगे। रियर डोर्स में देखते हैं तो यहाँ पे अपने जो रोलर कर्टन्स हैं उसका इंसुलेशन जो है वो हो चुका है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके का अपना, ये आप देख सकते हो। तो विंडो के हिसाब से अपना ये रोलर कर्टन जो है प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है, और जो इसका इंस्टॉलेशन है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो किया जाता है। अगर आपको ये अरेंजमेंट नहीं चाहिए तो आपके पास ऑप्शन में आ जाता है कि अगर आप जो फिक्स वाला है वो भी लगवा सकते हैं। अभी अगले डोर्स में जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया जा रहा है, तो प्रॉपर यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे देखो स्क्रू से इसको यहाँ पे फिक्स करके फिर इसका इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होता है। भाई वेन्यू का जो मॉडिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और एक एक करके आपको दिखाते हैं कौन कौन सी एक्सेसरीज इस वाली वेन्यू के अंदर जो है वो इंस्टॉल की गई है। तो सामने से जैसे मैंने आपको बताया था कि एलईडी का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, इसकी हेडलाइट में पार्किंग बल्ब जो है उसके अंदर भी आपको एलईडी जो है वो देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर डीआरएल नहीं आता है, तो डीआरएल का जो इंस्टॉलेशन है वो भी किया गया है। तो मैं दिखाता हूँ लाइट का रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर आप देखो तो प्रॉपर लाइट किस तरीके का आपको जो थ्रो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको काफी ब्राइट जो है वो थ्रो देखने को मिल जाता है, और मेरे हिसाब से हैलोजन वाले के मुकाबले में ये काफी तेज है। रोड प्रेजेंस में काफी अच्छा इसका जो व्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और काफी अच्छा जो थ्रो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो इसके जो हेडलाइट में ये अपडेट है वो किया गया है, साथ ही साथ पार्किंग बल्ब भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी अपना जो है यहाँ पर एलईडी लगाई गई है, और इसके ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये कंप्लीट जो है वो डीआरएल का भी आपको इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाता है, तो ये भी लगा है। एक बार आपको हेडलाइट बंद करता हूँ फिर दिखाता हूँ डीआरएल किस तरीके का इसमें वर्किंग है। तो भाई आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके डीआरएल है वो भी ग्लो कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और ये इंडिकेटर पर भी अपने वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप इस साइड का भी देख सकते हो, और इस साइड का भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको प्रॉपर जो विजिबिलिटी है वो देखने को इसके अंदर मिल जाती है। इसमें खैर सिंगल वाली लगी हुई है, अगर आप चाहें तो डुअल भी लगवा सकते हैं, तो इसमें हाफ जो जल रहा है इसमें आप चाहो तो कंप्लीट जो है वो पूरा राउंड भी जल जाएगा, तो और ज्यादा ये ब्राइट हो जाएगी। खैर ये भी किया गया है जो कि आपको टॉप मॉडल में आपको कंपनी लगा कर देती है, सेम वही फील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इंडिकेटर देने पर अपना ऊपर वाला जो बल्ब है वो ग्लो तो करता ही है, साथ ही साथ नीचे भी आपको यहाँ पर भी जो है ना इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये पोर्शन भी आपको कंप्लीट जो है वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा जिस साइड का भी आप इंडिकेटर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको हेडलाइट का थ्रो भी चेक करवा देते हैं किस तरीके का हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखो तो कंप्लीट डार्कनेस है, और आप एलईडी जो अपनी लाइट जलाएंगे तो किस तरीके का हो जाएगा। तो भाई लाइट जलाने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फोकस जो है वो देखने को मिल जाता है, और मेरे हिसाब से हेलोजन वाला जो इस गाड़ी के अंदर लग के आता है बल्ब उसके मुकाबले काफी ज्यादा ब्राइट हो चुका है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा अंधेरा है, अंधेरे गुप्त अंधेरे के बाद आपको उजाला दिखाई देगा। ये है अपना एलईडी का फोकस, और इसका हम हाई बीम मारते हैं, डिपर मारते हैं, आप देख सकते हो कितनी दूर तक इसका फोकस है लंबा, सामने आपको दीवार बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएगी। एक बार सर से मिलते हैं जिनकी गाड़ी है और जानते हैं कि इनको कैसा लगा। तो भैया एक बार नाम बताइए अपना। मनोज कुमार नाम है मेरा। और सर आपका? मेरा नाम दीपक है। तो सर आपने देखा कि हुंडई की वेन्यू में फॉग लाइट नहीं लगाने का ऑप्शन नहीं है, अब आपने हेडलाइट में अपडेट करवाया है, तो आपको लगता है कि अब जरूरत पड़ेगी फॉग लाइट की? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बेटर है जो पहले थी उससे, तो बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, मतलब ये अपडेट करवाना आपके लिए वर्थ रहा है। तो खुश हो इससे, मतलब जितना काम हुआ है इससे? पहले से तो बहुत अच्छा लगा, और अच्छी तरह से जो काम किया उससे भी बहुत खुश है, और सारी वायरिंग भी आपने देखी होगी, सारी जितना काम किया है सारा कपलर टू कपलर ही रहा है। कार का साइड प्रोफाइल जो है वो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, जो भी सारी एक्सेसरीज है, डोर वाइजर हो गया, लोअर गार्निश, क्रोम डोर हैंडल, अपने जो है साइड क्लैडिंग जो है सारी कुछ आपको पहले दिखा चुका हूँ। रियर में बात करते हैं क्या लगा है, तो रियर में एक तो कैमरा है उसका फिटमेंट यहाँ पर की गई है जो बंपर में छेद करके, और दूसरा जो अपना रियर का जो लेग गार्ड है वो इंस्टॉल किया गया है, तो प्रॉपर वेन्यू का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वेन्यू की मार्किंग के साथ। तो ये चीजें हैं, अब चलते इंटीरियर में और दिखाते हैं आपको इंटीरियर एक्सेसरीज के बारे में क्या क्या चीजें इंटीरियर से इंस्टॉल हुई है। बात आती है इंटीरियर एक्सेसरीज की, इंटीरियर में क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है। तो सबसे पहले आप गाड़ी का जो इंटीरियर है एक बार देख लीजिए, तो काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट कवर्स की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखो तो फुल बकेट वाले जो सीट कवर्स है उनका इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और फुल बकेट यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके के पैटर्न के साथ इसको किया गया है, प्रॉपर फिटमेंट है जिस तरीके की आपको यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पे आप इसको जो कपड़ा है उसे पकड़ के खींच नहीं पाओगे, एकदम परफेक्ट आपको यहाँ पे जो फिटमेंट है वो देखने को मिल जाती है। पैटर्न डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ तरीके का डायमंड डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है, प्रॉपर फिटमेंट इसकी आपको देखने को इस तरीके से मिल जाती है। थ्रेडिंग वगैरह जिस तरीके की आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए उस तरीके की आपको प्रॉपर देखने को मिल जाती है। सीट कवर के फिटमेंट में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलती है। रियर वाले जो सीट कवर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का उनका टोटल आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये वाले जो रियर सीट कवर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके का है, और रियर सीट में जो एड्रेस है वो आपको मिल जाते हैं फिक्स टाइप के, तो उसका भी फिटमेंट आप देख सकते हो, तो बिल्कुल प्रॉपर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो सीट कवर के अंदर कहीं से कहीं तक आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम
देखने को नहीं मिलने वाली। अपनी वारंटी में आता है, कोई भी आपको दिक्कत वगैरह इसमें नहीं आती है। पीछे की तरफ आपको जो पॉकेट्स है वो भी दी गई है। सर आपने जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पे अपनी कंप्लीट फ्लोर के ऊपर जो है वो फ्लोरिंग की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक लेमिनेशन टाइप का आपको कंप्लीट फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। ये कंप्लीट फ्लोरिंग जो है वो की गई है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है 70 वाले जो मैट्स हैं उनका इंस्टॉलेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। एक क्वार्टर वाला पोर्शन आप देख सकते हो। और अपना यहाँ पे आपको एक इसका प्लेट भी देखने को मिल जाती है जो कि प्रॉपर वेन्यू की मार्किंग के साथ आपको देखने को मिलती है। और आगे वाला जो पीस रहता है वो काफी बड़ा रहता है। और पीछे वाला आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियर का कुछ इतना साइज में आपको देखने को ये मिलता है। स्टेयरिंग व्हील देख लीजिए, तो यहाँ पे कंप्लीट जो स्टेयरिंग व्हील है उसके ऊपर आपको कंप्लीट रैपिंग देखने को मिल जाती है। प्रॉपर फिटमेंट जिस तरीके से आपको OEM वाली है इसके टॉप एंड मॉडल्स के अंदर देखने को मिलती है, सेम वही फिटमेंट यहाँ पर की गई है। प्रॉपर थ्रेडिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो थ्रेडिंग है बिल्कुल आपको एक्यूरेट देखने को मिल जाती है। कोई भी इसके अंदर आपको अनफिटमेंट देखने को नहीं मिलती। सारे एजेस वगैरह जितने भी हैं वो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप इसको भी कम्प्लीटली चेकआउट कर सकते हो, मेरे साथ से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिपिंग भी काफी अच्छी हो रही है और साथ ही साथ स्वेटिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसमें एक डॉट वाला पंचिंग वाला भी आता है, अगर आप चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। और चाहें तो स्टीयरिंग व्हील के अंदर डुअल टोन का भी ऑप्शन जो आते हैं वो आप यूज कर सकते हो। बात आती है इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे जो है ना अनप्लग सीरीज में जो ब्लॉकबस्टर वाली सीरीज आती है यहाँ पे आप देखो, तो ब्लॉकबस्टर सीरीज का जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले टच वगैरह का रिस्पांस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो 432 के साथ स्पेसिफिकेशंस में, और काफी आपको यहाँ पे जो इसकी रिस्पांस है वो स्मूथ देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको DVR वगैरह का सपोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे ना S वेरिएंट है तो इसमें आपको ना म्यूजिक सिस्टम तो मिलता है, उसको चेंज किया गया जैसे मैंने आपको बता दिया है। अपने सेम अमाउंट के कंट्रोल भी मिलते हैं, तो अगर आप आफ्टर मार्केट सिस्टम लगवाते हो तो ये कंट्रोल जो है वर्किंग नहीं रहते। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसका भी जो इंस्टॉलेशन है वो कैनवास के थ्रू जो है वो किया गया है। तो कॉल पिक एंड ड्रॉप के जितने भी बटन जो पहले वर्किंग थे वो सारे कुछ आपको यहाँ पे अब भी वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। तो ये कैनवास की वजह से आपको यहाँ पे सारे जो बटन है वो सारे कनेक्टेड मिल जाते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलती। अब बारी आती है कैमरे को चेक करवाने की, क्योंकि DVR सपोर्ट है, फ्रंट व्यू कैमरा है और रियर व्यू कैमरा है। तो कैमरे की जो फिटमेंट है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ये फ्रंट व्यू जो कैमरा का है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ तरीके का, बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे ये देख सकते हो कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके का व्यू है यहाँ पे आप सीढ़ी देख रहे हो ना, तो उसी तरीके का व्यू आपको कैमरे के अंदर भी बिल्कुल प्रॉपर नजर आ रहा होगा। और रियर व्यू कैमरे की भी बात करते हैं कि रियर व्यू कैमरे का किस तरीके का आपको व्यू मिलता है। तो भाई यहाँ पर आप देखो तो रियर व्यू कैमरे का भी जो व्यू है बिल्कुल क्लियर आ रहा है। यहाँ पे क्रेटा खड़ी है वो अपने देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी के साथ आपको देखने को मिल जाती है। इसके कैमरे के अंदर भी आपको कोई भी जो है वो कमी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर लगा है एक सनग्लास होल्डर जो कि इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। और ये सनग्लास होल्डर आपको बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे आप देखो तो ये सनग्लास होल्डर का अपना हो जाता है। और इसके अंदर दो ब्राइट LEDs जो है वो इंस्टॉल की गई है, वो आप यहाँ पर देखो तो एक और एक दो, तो पूरा दिन निकालने वाला काम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कुछ तरीके की जो LEDs है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। इसी के साथ साथ जो अपना रियर वाला पोर्शन है इसके अंदर भी देखिए, तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ अपनी जो रियर LED है वो देखने को मिल जाती है। तो प्रॉपर जो है कैबिन जो है वो LED वाला हो चुका है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा इसका जो एम्बियंस है वो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसकी लाइटिंग की, तो एम्बियंस लाइटिंग का भी इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि अपने कंप्लीट डैशबोर्ड पैनल के ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका इंसुलेशन किया गया है, कार्डी कंपनी की जो अपनी एम्बियंस डोर लाइटिंग है वो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है और प्रॉपर फिटमेंट के साथ आपको ये देखने को मिल जाती है। डोर पैनल्स पे भी आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा एक बार ये देखिए, तो अब यहाँ पर देखो तो बिल्कुल इसकी जो प्रॉपर आउटपुट है वो देखने को मिल जाता है और मेरे हिसाब से इसमें भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप हमें बता सकते हैं किस तरीके का आपको जो सारा फिटमेंट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अलावा कर्टन जैसे मैंने दिखाए थे, कर्टन का इंसुलेशन है वो भी किया गया है। तो मैं भी उसका जो प्रॉपर वर्किंग है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो तो कर्टन साथ में अपने ऊपर की तरफ उठ करके जाएंगे, रोलर कर्टन से उनका इंसुलेशन किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, आप जो है फिक्स वाला भी लगवा सकते हो। ये हो गया, अपना रियर वाला भी आप देख लेख लीजिए किस तरीके का है। तो प्रॉपर वर्किंग यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। एक विंडो रोल बैक वाला जो फीचर है वो भी इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये वाली अपना मिरर जो है वो आप देख सकते हो, फिर ये वाला आप जाएगा अपना, तो यहाँ पे एक एक करके जो सारे अपने मिरर्स हैं वो रोल बैक हो रहे हैं। इस वाली गाड़ी के अंदर जो है पावर विंडो रिले का भी जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा फीचर अपनी गाड़ी में लगवाना है तो आप ये भी लगवा सकते हो। तो भाई वेन्यू का सारा मॉडिफिकेशन आपने देख लिया, एक बार जानते हैं राजन भाई से कि कितनी कॉस्ट इस वाली वेन्यू के अंदर आई थी। ये जो अपनी ये वेन्यू थी ब्लैक वाली, इसके अंदर आया 50,000 रुपए का पूरा टोटल खर्चा। 50,000 में सारा काम अपना कर दिया हमने। तो राजन भाई किसी को आना हो तो कैसे आना होगा आपके पास? अगर जैसे हमारे पास आना है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप करोलबाग मेट्रो स्टेशन की लोकेशन डाल के आओ, करोलबाग मेट्रो स्टेशन से मेरा लड़का आपको पिकअप करने आ जाएगा। तो ये सुविधा हम आपको देंगे, बाकी नंबर नीचे मेंशन हो ही रहा है। तो भैया से कांटेक्ट करना हो तो नीचे नंबर मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कस्टमर से एक अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जिसको इंक्वायरी करनी है वो मेरे से व्हाट्सएप पे इंक्वायरी ले सकता है बिल्कुल आराम से। मतलब किसी सामान के बारे में, मतलब कौन सा सामान कितने का है या फिर रेट लिस्ट चाहता है, तो वो व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है।
तो दोस्तों ये सारी एक्सेसरी थी जो कि इस कार के अंदर इंस्टॉल हुई है। आपको कैसा लगा नोटिफिकेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।